बच जाए, भूल भी जाओ रानी जी, कब तक सोती रहोगे? देखो तुम्हारा पति देव कितनी देर से इंतजार कर रहा, उठो। नहीं उठती? अच्छी बात, अगर तुम्हारी सास को पता चल गया कि तुम 9 बजे तक सोती रहती हो तो तुम्हारा तो कुछ नहीं जाएगा, हमारी मरम्मत हो जाएगी। मोहन कौन है, बोलता क्यों नहीं, कौन है ये चुड़ैल? चुड़ैल? अरे माता जी, ये तो आपकी होने वाली बहू है, यानी आपके होने वाले छोटे छोटे पोता पोतियों की माँ, आपके इकलौते मोहन की इकलौती बहू, यानी मेरी बहू। किस कमबख्त को घर में उठा लाया है, छोड़ तो। अरे वाह! नहीं नहीं माता जी, नहीं, चल नहीं, 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 नहीं माता जी। अरे वाह, उठती है या नहीं? मैं कहती हूँ उठ, उठती है या नहीं? उठ, उठ, बड़ी बेशरम है तू। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं। हा? मेरी पत्नी कहाँ गई? माता जी आपने क्या किया, मेरी पत्नी को कहाँ खराब कर दिया? तू पागल तो नहीं हो गया लड़के? वाह माता जी, एक तो आपने मेरी पत्नी को भगा दिया। कैसी पत्नी, किसकी पत्नी? तेरी अभी शादी कहाँ हुई है मोहन? है? मेरी शादी नहीं, 100 साल की तो मेरी उम्र हो गई। तेरी उम्र 100 साल? क्या बकता है? बकता क्या हूँ, 100 में से 30 तो गुजर गए, अब कुल 70 ही तो बाकी। अच्छा तो तू मुझे ताने दे रहा है कि इतना बड़ा हो गया अभी तक तेरी शादी क्यों नहीं? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये थोड़ी था, और अगर आप ये मतलब निकालती हैं तो बिल्कुल ठीक है, और मतलब निकालती ही चाहें लगे हाथों मेरी शादी रचाई दीजिए। शादी शादी शादी, पहले 4 पैसे कमाने के काबिल तो बन। ये जरा गड़बड़ है, देखो ना माता जी, हमारे दादा ने हमारे बाप के लिए कमाया और हमारे बाप ने हमारे लिए कमाया, अब न मेरे को औलाद है, न बाल है, न बच्चा है, न बीवी है, मैं किसके लिए कमाऊं? और फिर भगवान की दया से घर में इतनी दौलत है कि 7 पुरुषों किसी को कमाने की जरूरत ही नहीं। ये तो ठीक है, मगर लड़की वाले बाप दादा की कमाई के साथ साथ ये भी तो देखते हैं कि लड़का कुछ कमाता है या नहीं। बाप दादा की कमाई तो लोग 4 दिन में उड़ा दिया करते हैं बेटा, अगर कहीं तू 100-200 का भी नौकरी कर ले तो। नहीं माता जी, अपने से नौकरी वोकरी नहीं हो सकती। तो जन्म भर तेरी शादी भी नहीं हो सकती। आप क्या कह रही हैं माता जी? ठीक तो कह रही हूँ, एक तू है कि नौकरी के नाम से तेरा दम निकलता है, एक तेरा दोस्त किशोर है। तुम्हें नौकरी की क्या परवाह है, तुम्हारी ससुराल वाले तो लखपति हैं। यही तो मामला गड़बड़ है माता जी, एक लखपति लड़की की शादी किसी करोड़पति से होनी चाहिए, अब भला इतनी अमीर लड़की छोटे से घर में कैसे रहेगी? ज्यादातर ऐसी शादियां कामयाब नहीं हुआ करती माता जी। तो क्या इस शादी से तुम इनकार करोगे जिसे तुम्हारे पिता ने बचपन से तय किया है? नहीं माता जी, मैं पिताजी के हुक्म को कभी नहीं टाल सकता, मगर तब तक शादी नहीं करना चाहता जब तक इस काबिल ना हो जाऊं। शाबाश किशोर, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ये लो, तुमने डिजाइनर की नौकरी के लिए जो बम्बई दरख्वास्त भेजी थी वो मंजूर हो गई। विनती करत हूँ मैं तोरी माँ, विनती करत हूँ, विनती करत हूँ, विनती करत हूँ मैं तोरी माँ, तू शादी करा दे, शादी करा दे, शादी करा दे मोरी माँ। अगले फागन तक जो मुझको नहीं मिलेगी बीवी, तो साच कहूँ भगवान कसम मुझे हो जाएगी टीबी, चाहे कानी हो या अंधी हो, वो लूली हो या लंगड़ी हो, चाहे गूंगी हो या बहरी हो, गूंगी हो या बहरी हो, वो काली हो या गोरी माँ, तू शादी करा दे, शादी करा दे, शादी करा दे मोरी शादी, शादी शादी मोरी शादी, शादी शादी मोरी शादी, हम मोरी शादी, शादी शादी मोरी शादी, शादी शादी मोरी शादी, शादी शादी शादी। जात पात की फिकर ना करना, जो कुछ भी हो नाम, देश विदेश कहीं की भी हो,
हमें ब्याह से काम। पंजाबन हो बंगालन हो गुजरातन हो मारवाड़न हो मदरासन हो माराठन हो मदरासन हो माराठन हो वो कहीं की भी हो छोरी माँ तू शादी करा दे शादी करा दे शादी करा दे मोरी शादी 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 मोरी शादी 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 मोरी शादी मोरी शादी 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 मोरी शादी 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 मोरी शादी 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 शादी। अबे ओ मोहन फिर वही शादी वादी की रट लगा रखी यार। मैं तो माता जी से कहते कहते थक गया मगर उन पर कोई असर ही नहीं होता। तुम मेरी सिफारिश कर दो ना। सिफारिश सिफारिश से काम नहीं चलेगा। एक छोटी मोटी नौकरी क्यों नहीं कर लेता। माता जी की बातों का असर तुम पे भी हो गया है। कह तो दिया कि हमसे नौकरी वोकरी नहीं हो सकती तो तुम्हारी शादी भी नहीं हो सकती। खैर तुम्हारी शादी हो या ना हो अपने को नौकरी चाहिए थी सो मुझे मिल गई। आज रात की गाड़ी से अपन चल दिए बम्बई। बम्बई जा रहे? यार सुना है कि बम्बई में शादी बहुत आसानी से हो जाती है। यार हमारा भी कहीं मौका होगा लगे तो। जरूर जरूर अच्छा चल दिए। अच्छा पहले हम तो चल दिए। देखो किशोर मुझे तो यकीन सा हो गया है कि मेरा काम तुम्हारे हाथ से होने वाला है तो अपने यकीन पर भरोसा रखो। चीरियो चीरियो। अरे प्यारे भैया गाड़ी छूटने वाली है। प्यारे किनु कह रहे हैं प्यारे प्यारे। अरे माफ करना उस्ताद गाड़ी छूट रही है जल्दी बोलता है उस्ताद किनु कह रहे हैं उस्ताद। हाँ किस बेवकूफ से पाला पड़ा है इसको मनु कह रहे हैं। तू कभी खेल के फ्रांस के मैच आएगा कल मैं पूछेगा बेवकूफ कह रहे हैं बेवकूफ। मत समझा आपने ये भी नहीं देखा कि लेडीज फर्स्ट क्लास है और रिजर्व है। मैंने तो ये भी नहीं देखा ये फर्स्ट क्लास है। मेरे पास थर्ड क्लास का टिकट है। तो फिर जाइए थर्ड क्लास में। जी जाइए अभी अब स्टेशन पर उतर जाऊंगा। नहीं अभी वरना मैं गार्ड से बुला। इसके लिए आप ये क्या कर रहे हैं ट्रेन चल रही है क्यों आपकी जान खतरे में डाल रही है। मैं अगले स्टेशन पर जरूर उतर जाऊंगा। जरूर उतर जाइएगा। जी हाँ जरूर मैं खुद उतर जाऊंगा वरना टिकट कलेक्टर मुझे उतार देगा।
साहब आ गए। गुड मॉर्निंग बॉस। गुड मॉर्निंग बॉस। गुड मॉर्निंग बॉस। गुड मॉर्निंग बॉस। मैनेजर साहब, मैनेजर साहब। ये साहब छोटा साहब को मिलना मांगता है। ऑलराइट। नमस्ते, कहिए। आपका ऑफिस से चिट्ठी आई है। आप हैं मिस्टर किशोर? जी हाँ। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। मैं डिजाइन बुक भी साथ लाया। अच्छा अच्छा, लाइए, ये मुझे दे दीजिए। अभी आपको छोटे साहब अंदर बुलाएंगे। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। गुड मॉर्निंग बॉस। गुड मॉर्निंग। वेल मैनेजर साहब। यस बॉस। हम कलकत्ते से बहुत ऑर्डर लाया है। बहुत अच्छा, बिल्कुल नया डिजाइन का ज्वेलरी मांगता है। यस बॉस। वो जो नया डिजाइनर को अपॉइंटमेंट लेटर भेजा था, उसका क्या हुआ? वो आ गया है। ये है उसका डिजाइन बुक, देखिए। मिस रोजारियो, न्यू डिजाइनर को भेजो। यस बॉस। मिस्टर किशोर, विल यू प्लीज गो इन, छोटा साहब बुलाता है। थैंक यू, थैंक यू। आइए आइए, कोई बात नहीं, तशरीफ लाइए। अभी आइए छोटे साहब, ये है वो नए डिजाइनर। ओह तुम, मिस रोजारियो, एक दर्जन माचिस भेज दो। बैठो। फोन ने तुम्हें सेकंड क्लास का किराया दिया था ना? जी हाँ। और तुम्हारे पास थर्ड क्लास का टिकट था? जी हाँ, पैसे बचन। और फिर थर्ड क्लास का टिकट लेकर फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में बताई जा सकती है। सॉरी सर, प्लीज मैडम सर। और फिर एक माचिस के लिए किसी शरीफ मुसाफिर की नींद। यस सर, सॉरी सर, माफ कीजिए, एक्सक्यूज मी सर। तुम्हारा नाम? यस सर, नाम किशोर। ये सब डिजाइन तुम्हारे बनाए हुए हैं? जी हाँ। देखो, हमें जेवरात के इश्तिहार के लिए नए नए डिजाइन की जरूरत है, समझे? जी हाँ, समझा। कम इन। सुनो, ये ले लो, और आइंदा किसी शरीफ इंसान को माचिस के लिए परेशान न करना। ये सब ले लो। अब इस नाचीज की आवाज भी नहीं पहचान सकती। हालांकि यहाँ दिल धड़कने का भय ये अंदाज, मैंने जाना कि तूने दी आवाज। ओ प्राण। हाँ प्राण, रजनी का प्राण। क्यों मेरी सरकार कलकत्ते से तशरीफ लाई और हमें खबर तक नहीं दी? क्या बताऊं प्राण, कारोबार की मसरूफियत में भूल गई, माफ कर दो। और क्या हो रहा है? हो क्या? बिजनेस को संभालने वाले तो बहुत हैं, लेकिन दिल को संभालने वाला तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं। सुनो, तुम 10-20 शेर और याद कर लो, जब तक मैं जरा ऑफिस का काम खत्म कर लूं। अच्छा, ऑलराइट, चलो। तुम आ गई बेटा, मैं तुम्हीं को टेलीफोन कर रहा था। क्यों पिताजी? हमारी फर्म में कोई किशोर नामी लड़का आया है। जी हाँ, मगर आपको कैसे मालूम हुआ?
वो मेरे दोस्त रूप नारायण का लड़का है और ये उनकी चिट्ठी है। शायद बाप और बेटे को दोनों को ये नहीं मालूम कि ये फर्म हमारी है, वरना ना किशोरी यहाँ नौकरी करने आता और ना रूप नारायण ही उनको यहाँ भेजते। क्यों पिताजी? बात यह है बेटा, एक जमाना हुआ जब उन्होंने मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान किया था और जिस दिन मैंने उनके उस एहसान का बदला चुकाना चाहा, बस उसी दिन से उन्होंने मुझसे मिलना जुलना छोड़ दिया। लेकिन आपने तो मुझसे इस बात का पहले कभी जिक्र नहीं किया पिताजी। बेटा, मुझे वक्त का इंतजार था और वो वक्त आ गया है कि मैं तुमको सब कुछ बता दूं। तुम बहुत छोटी थी जब बिहार में जलजला आया। छुपाने को ठिकाना, लेकिन मैं तो हूं आनंद भैया। दुनिया में जिसका सच्चा दोस्त मौजूद हो उसे किस चीज की कमी है? मैं तुम्हारे पास खाली हाथ नहीं आया हूं, अपने जीवन भर की पूंजी साथ लाया हूं। शहर में जाकर कारोबार शुरू कर देना। जी हालत ना होती। पिताजी, आपने बहुत अच्छा किया जो मुझे ये सब कुछ बता दिया। मैं इस एहसान के बदले में किशोर को नहीं नहीं वर भी नहीं होना चाहिए, वरना फौरन नौकरी छोड़कर चला जाएगा। वो लोग जन्म भर भी हमारा एहसान लेना पन्ना करेंगे। तो फिर इतने बड़े एहसान का बदला कैसे उतारेंगे पिताजी? उसकी सिर्फ एक ही तरकीब थी जो मैं आज से बहुत बेशतर कर चुका हूँ, वो ये कि मैंने तुम्हारी और किशोर की मंगनी बचपन ही में कर दी थी और अब शादी के दिन करीब आ रहे हैं और मुझे तुम्हारी राय भी लेना जरूरी है। बोलो, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम चुप क्यों हो गई बेटा? आओ यहां सामने आकर बैठो। ये मेरी इज्जत का सवाल है, अगर ऐसा न हुआ तो मैं उन्हें मुंह दिखाने के काबिल न रहूंगा। बोलो बेटा, क्या तुम अपने बाप को जिसका हुक्म तुमने आज तक नहीं टाला निराश कर दोगी? आप कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? एक जान तो क्या, अगर हजार जाने भी हो तो आपके हुक्म पर से कुर्बान कर सकती हूँ। शाबाश बेटा, शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आज तुमने साबित कर दिया कि हमारी हिंदुस्तानी लड़की कितनी भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए फिर भी माँ बाप का कहा नहीं टालती। रजनी की माँ, काश तुम भी ये खुशी की घड़ी देखने के लिए जिंदा रहती। आखिर तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मेरा गुस्सा बाल से ज्यादा बारीक और तलवार भार से ज्यादा तेज है। तुम्हें मेरी हर एक बात का ख्याल रखना चाहिए। तुमने अभी मेरा प्यार देखा है, गुस्सा नहीं देखा। तब तक मैं बोलता नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं बोलता हूँ। अब अगर जब बोलता हूँ तो कपन था कि बोलता हूँ। मेरे पांव के नीचे जमीन होती है और सर के ऊपर आसमान। माना कि तुम मेरी बीवी हो, मगर मैं भी तो तुम्हारा पति हूँ। मोहन, ये सब क्या लगा रखा है? नहीं माता जी, अब आप कुछ ना कहिए, मैंने बहुत काफी कह दिया है। नहीं तो पड़ोस वाले समझेंगे कि सास बहू करो झगड़ा होता है। चल हट, कौन जा रही तू? तुमने तो मेरा नाक लगाम कर रखा है। आपने तो मेरी दूसरी बीवी को भी तोड़ डाला। ऐसे नए नाटक से तो अच्छा है तू कहीं नौकरी कर ले और मैं तेरी शादी कर दूं। नौकरी 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 नौकरी, इससे तो मेरे नाक में दम कर। अच्छी बात है, लाइए 5,000 रुपया लाइए, आज बंबई जाता हूँ नौकरी करने के लिए। 5,000 तो क्या, तू 10,000 ले ले, पर कहीं नौकरी तो कर ले। अच्छी बात है, 10 ही चलेंगे। अरे बुद्धू, समाज बांध डाल, हम तुम दोनों बंबई जा रहे हैं नौकरी करने। लाज साहब नौकरी ढूंढने जा रहे हैं, साथ नौकर भी ले जा रहे हैं। Thank you.
यहाँ को डॉक्टर साहब रहते हैं? नहीं मुन्ना, डॉक्टर नहीं बल्कि यहाँ तो मरीज रहते हैं। मरीज? जी हाँ, यू कैन सी MBBS यानी कि मेंबर ऑफ बेकार बैचलर सोसाइटी। यू अंडरस्टैंड? यानी कि आप बेकार भी हैं और बैचलर भी हैं, यानी कुंवारे? जी हाँ, आपकी दुआ से कुछ ऐसा ही चेहरा मौका है। तो हमें भी इस सोसाइटी का मेंबर बना लो, अपना भी यही हाल है। मगर मुन्ना, आज तो हमारी सोसाइटी टूट रही है। ट्राई तो हमने भी बहुत ही मारी, लेकिन ईश्वर भला करे इस बेकारी का कुछ मौका जमा नहीं। मुन्ना, आज से तो हम बिल्कुल अकेले ही रह जाने वाले हैं। आओ, अकेले रहे तुम्हारे दुश्मन, हम तो तुम्हारे साथी हो गए। ऊपर कमरा ले लिया है, अगर कहीं मौका जम जाए तो बता दे। ऑलराइट, प्रॉमिस। थैंक यू। भाई वाह, नंगे को भूखा मिले और कर कर लंबे हाथ। वेरी गुड। अरे मुन्ना माफ करना, मुझे एक नया पंछी बाहर पकड़ दिया था, इसलिए जरा देर हो गई। अच्छा तो जलसा शुरू करो ना। मुफलसी जान से बेदार किए जाती है। हाय, अब तो बीड़ी भी कई दिन से उधार। हाँ भैया, उधारी आती है ना। घर में दाना पानी है ना रोजगार है। ना घर में दाना पानी है ना रोजगार है। अंग्रेजी पढ़ के अपनी तो बस मिट्टी, हाँ मिट्टी, हाँ मिट्टी पार है। अंग्रेजी पढ़ के अपनी तो बस मिट्टी पार है। कहीं भी कोई नौकरी नहीं, अपने लिए कहीं भी कोई नौकरी नहीं। हीरो बना दे ऐसी फिल्म कंपनी नहीं, हीरो बना दे ऐसी फिल्म कंपनी नहीं। आए, जीम जैसे थे पे पहले दाल दोस्तों, ओ वैसे नहीं रहे। बेबटुए तो सीन सबके पे पास हैं। नानी मून राशन पैसे नहीं रहे। फादर के मनी ऑर्डर का अब इंतजार है। फादर के मनी ऑर्डर का अब इंतजार है। अंग्रेजी पढ़ते अपनी तो मिट्टी, हाँ मिट्टी पार है। अंग्रेजी पढ़ के अपनी तो बस मिट्टी पार है। कती है लाहौजारी, कती है लाहौजारी। बेकारी ये हमारी, बेकारी ये हमारी। अब जिसके पास जाऊं हूँ किसको जा दिखाऊं। देखो लौट आई, लौट आई, लौट आई। पापन बेकारी, पापन बेकारी। मैं कानपुर जो पहुंचा एक दिल में जाके पूछा, क्या नौकरी मिलेगी, तू नौकरी है साहेब। बोले नायक 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 नायक। लौट जाओ, लौट जाओ, नहीं तो गोरखा जीने की ऐसी तैसी अब जीना बेकार है। जीने की ऐसी तैसी अब जीना बेकार है। अंग्रेजी पढ़ के अपनी तो बस मिट्टी, हाँ मिट्टी, हाँ मिट्टी पार है। अंग्रेजी पढ़ के अपनी तो बस मिट्टी पार है। काली घटाए बेमजा, बरसात बेमजा। बरसोरे सुनी हो दिल की दुनिया तो हर बात बेमजा। बरसात में बरसात में बरसात में बीए बीए किया तो क्या किया, बीवी न मिल सकी। दिया जलाओ, बीबी दिलाओ। दिन काटने को आते हैं और रात ये मजा। बीवी बिना इतवार भी अब सोमवार है।
करके अंग्रेजी पढ़ के अंग्रेजी पढ़ के अपनी तो मिट्टी है मिट्टी है मिट्टी पार है। क्यों ना ये बंठन के किधर को याद सुना है कि बंबई में इतवार के दिन जुहू पर हैंगिंग गार्डन पर और जनाब मरीन ड्राइव पर टेक्निक कलर गजब का होता। वेरी गुड विश यू गुड लक। तो फिर मुन्ना तुम जल्दी जाओ ईश्वर तुम्हारी सहायता करे। जल्दी जाओ कुर्बान हो जाऊं तुम्हारे। डार्लिंग जो ही मुझे नौकरी मिली कि अपनी शादी हो जाएगी। हे मिस्टर क्या इस शहर का भी यही दस्तूर है कि जब तक नौकरी न मिले शादी नहीं होती। माइंड योर ओन बिजनेस। काटेगा भाई दुपट्टा। चलिए आप साड़ी के साथ दुपट्टा भी पहनती हैं। जिसका दुपट्टा है वो क्यों नहीं मानती। तुम कौन बदतमीज हो। मैं बदतमीज नहीं हूँ। मेरा नाम है मोहन। गांव से आया हूँ नौकरी की तलाश में। जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक शादी नहीं हो सकती। अच्छा ये बात है। हाँ ये बात है अब समझी। अच्छा मोहन साहब अगर बगैर नौकरी मिले आपकी शादी हो जाए तो। अरे साहब देखिए पूछ पूछ। अच्छा तो बताइए आप हम में से किससे शादी करना चाहते हैं। साहब मेरे चाहने ना चाहने का सवाल ही नहीं पैदा होता। मुझे आप ये बताइए कि आप में से कौन मुझसे शादी करना चाहती है। मैं आपसे शादी करूंगी। हम तुमसे शादी करेंगे। नहीं शांता कामनी का दुपट्टा उड़कर इनके पास गया है इसलिए कामनी ही इनसे शादी करे। क्यों कामनी। मैं इससे क्या शादी करूंगी ये तो मुझे वो मालूम होते। अरे अगर ये वो हैं तो इनके वो नहीं होते। अरे किसी के होते हैं किसी के नहीं भी होते। और क्या होते हैं किसके होते हैं मुझे तो समझाने की कोशिश कीजिए। मैं समझा ऐसा कौन सा जानवर है जिसके सींग नहीं होते। कौन सा जानवर है जिसके सींग नहीं होते। सबके होते हैं एक के नहीं होते। तो फिर आप वही। बिल्कुल वही गधे कहीं के। यहाँ बैठे कौन है। अच्छा तो ये बात है। अच्छा तो आप हैं वो। तब तो इनसे जरूर मजाक होना चाहिए। आओ उनकी खबर ले। मजाक का मजाक रहेगा और ये भी मालूम हो जाएगा कि इनके चाल चलन ऐसे वैसे तो नहीं है। नहीं मैं आपको क्यों बुलाता। नहीं नहीं मुझे बुलाया। जी नहीं पकड़ो पकड़ो भाग लेना पाए। ये मेरा पर्स चुरा कर भागा है। मैं शरीफ आदमी हूँ मैं भला आपका पर्स क्यों चुराता। उषा क्या बात है। उषा रजनी ये साथ में मेरा पर्स चुराया है। जी नहीं मैं बैठे बैठे यहाँ डिजाइन बना रहा था मैं क्यों उनका पर्स चुराता। रजनी इसे कहो अपनी जेब दिखा। हाँ जेब देखिए देखा देख लो ये मेरा पर्स है। अच्छा तो तुम चोरी भी करते हो शर्म नहीं आती तुमको। चले जाओ यहाँ से। तुमने मजाक तो नहीं किया। क्या सचमुच ये तुम्हारा मंगेतर है। हाँ कामनी पिताजी ने बचपन में ही मेरी मंगनी इनके साथ कर दी थी। रजनी एक बात कही बुरा तो नहीं मानूंगी। हाँ कहो। ऐसी शादी बड़ी मुश्किल से कामयाब होगी। क्यों। नंबर एक बिल्कुल बुद्धू। नंबर दो तुम इतनी मालदार और वो तुम्हारा एक मामूली नौकर। दुनिया पत्नी को पति के नाम से जानती है लेकिन तुम्हारे पति को लोग तुम्हारे नाम से जानेंगे। तो क्या हुआ त्रिजाति का बोलबाला होगा। त्रिजाति का बोलबाला होगा या त्रिजाति के नाम पर धब्बा लग जाएगा। लेकिन रजनी कर भी जा सकती चाचा ही जो वचन दे चुके।
रजनी कौन प्राण? हाँ प्राण, रजनी का प्राण, जिसे देखते ही रजनी के होठों पे पहले मुस्कुराहट आ जाती थी और फिर हंसी। लेकिन अच्छा बात है, क्या तुम्हारी मुस्कुराहट और हंसी किसी ने छीन ली है? ये मुस्कुराहट और हंसी दोनों बनावटी है, जरूर कोई बात है जो तुम उदास। ठीक है प्राण, मैं बहुत उलझन में पड़ गई हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गए, तुमसे बढ़कर मेरा दुनिया में कौन दोस्त है जो मुझे सही मशवरा दे सके। फर्ज करो प्राण के मुझे तुमसे नहीं किसी और से मोहब्बत है, और पिताजी मुझे हुक्म दें कि मैं तुमसे शादी करूं, तो ऐसे मौके पे मुझे क्या करना चाहिए? तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? ऐसे तो मैं भी नई रोशनी की पैदावार हूँ, लेकिन शादी ब्याह के मामले में मैं पुराने ख्यालात को मानता हूँ। मेरा तो ख्याल है रजनी कि माँ बाप के फैसले पर सर झुका देना औलाद का फर्ज। मैंने भी यही फैसला किया है, तुमने ये कहकर मेरी हिम्मत बढ़ा दी, वरना शायद मेरा कदम डगमगा जाते। आखिर तुम पहेलियां क्यों पूछ रही हो? साफ साफ बताओ बात क्या है। बात दरअसल ये है कि पिताजी ने आज मुझे बताया कि उन्होंने बचपन में ही मेरी मम्मी कर दी थी और उसी से मेरी शादी करना चाहते हैं। वो है कौन? मेरी ही फर्म का एक मामूली मुलाजिम है। और तुम इस बात को मान जाओगे? क्यों नहीं, अभी अभी तो तुमने कहा कि माँ बाप के फैसले पर सर झुका देना ही औलाद का फर्ज है। बेशक, लेकिन मुझे कहाँ मालूम था कि तुम्हारी शादी तुम्हारे ही फर्म के एक मामूली मुलाजिम से होगी। रजनी, तुम्हारे पति को तो करोड़पति होना चाहिए ताकि शहर में उसकी इज्जत हो, शोहरत हो, दुनिया वाले ये कहें कि रजनी का पति कितना बड़ा आदमी है। पति की इज्जत से ही पत्नी की इज्जत है। कहो, क्या मैं झूठ कह रहा हूँ? तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो प्राण, मैं उनकी इज्जत, शोहरत, दौलत में चार चांद लगा दूंगी। मैं एक दिन जरूर उन्हें करोड़पति बना दूंगी। अच्छा, लेकिन जब उसे ये मालूम होगा कि तुमने उसे करोड़पति बना दिया है तो? मैं जीवन भर उन्हें इस बात का पता नहीं चलने दूंगी। रजनी, याद रखो, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी क्यों न हो जाए, लेकिन तुम्हारी निगाहों में पति होते हुए भी एक मामूली मुलाजिम रहेगा। हरगिज़ नहीं, मैं अपने फर्ज को अच्छी तरह पहचानती हूँ। मैं हमेशा उनको अपना मालिक और खुद को उनकी दासी समझूंगी। मैं तो अभी भी कहूंगा कि मैंने जो इरादा कर लिया है उसको बदलने की कोशिश ना करो। बेटा किशोर, कल रात जूता पहनी सो गया। अरे कपड़ा तो कहां गए बाबूजी? तुम कौन हो जी? मेरा नाम मालती है, मैंने आपके सब कमरे की सफाई कर दी है। वो तो देख ही रहा हूँ, हर चीज यहाँ से साफ हो गई। नहीं नहीं, देखिए ये आपकी किताबें सब मैंने अलमारी में लगा दी हैं, और ये देखिए। बाबूजी,
और आपका दाढ़ी का सामान सब यहाँ सजा दिया है, और ये तौलिए वगैरह है ना, ये सब यहाँ टांग दिए हैं। आपका सारा सामान ठीक ठाक कर दिया है बाबूजी। सामान तो सब मौजूद है, मगर तुम कहाँ से आए? पड़ोसन से मालूम हुआ था कि आपको नौकरानी की जरूरत है। नहीं तो... नहीं, मुझे नौकरानी की जरूरत नहीं है। जा जाओ रास्ता ना खोलो। खरीद खरीद खरीद, मैं आपके लिए चाय ले आती हूँ। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। सुना था बम्बई में नौकर नहीं मिलते, यहाँ तो मामला ही उल्टा है। चाय पी लीजिए बाबूजी। ये टीचर कहाँ जाए? शाम को बाजार से दूसरा लेते आइयो। बहुत अच्छा, आपको हुक्म है। आपके लिए नाश्ता क्या बनाऊं बाबूजी? लीजिए, मालूम होता आप हमारे यहाँ बाप दादा के जमाने से नौकर हैं। अरे बाबा, पगार वगार की बात तो कर लो। बाबूजी, हम गरीब लोग पैसे के लोभी नहीं, प्रेम के भूखे हैं। प्रेम प्यार से जो भी दे दोगे सो ले। लो बेटा किशोर, ये नौकरानी तो गले पड़ गई। और इस तरह से पीछे छुड़ाना भी चाहोगे तो ना छुड़ा सकोगे बाबूजी। क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं बाबूजी। आज बज गए हैं, आपको दफ्तर जाना है। आप नहा धो लीजिए, जब तक मैं आपका नाश्ता बनाऊं। अच्छी बात है। मिस्टर किशोर, छोटा साहब बुलाता है। मिस्टर किशोर, जाइए आप पहले छोटे साहब से मिल लीजिए। बात है मैनेजर साहब, पता नहीं बहुत ज्यादा गुस्से में मालूम होता है, दो तीन दफे आपको याद कर चुकी हैं, पहले आप उनसे मिल लीजिए। अच्छी बात है। गुड मॉर्निंग बॉस। तुम इतनी देर में क्यों आए? जी मैं तो 10 बजे पहुंच गया था। ये 10 बजे है? आपके मेरे 4-5 मिनट आगे। खामोश। तुमने नए डिजाइन बनाए? जी हाँ। ये नए डिजाइन बनाए हैं? हमें बिल्कुल पसंद नहीं। मैं दूसरे डिजाइन बनाने की कोशिश करूंगा। तुम क्या डिजाइन बनाओगे? तुम हैंगिंग गार्डन जाओ, जुहू जाओ, लोगों के पास एक मारो। जी ये बात नहीं। यू आर डिसमिस्ड। डिसमिस्ड? जी ऐसा न कीजिए, बड़ी कोशिश के बाद ये नौकरी मुझे मिली है, अगर ये भी छिन गई तो मैं क्या करूंगा? मेहनत करो, मजदूरी करो, हम क्या करें? मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे एक मौका और दीजिए। आप जैसा डिजाइन चाहेंगे मैं वैसा बना दूंगा। हम कुछ सुनना नहीं चाहते, गेट आउट। मालूम होता दौलत के गुरूर ने आपको अंधा कर दिया, मगर याद रखिए बुरा वक्त हर इंसान पर आता है। निकल जाओ। शुक्रिया। रजनी का प्राण। एक्सक्यूज मी प्राण, मुझे एक बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है। खूब, हम आए आप चली। गालिब ने ठीक ही कहा। तुम यहाँ बैठ कर शायरी करो, मैं जरा बाहर जाती हूँ। रजनी, हम है मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है? मैनेजर साहब। कौन? प्राण बाबू। नमस्ते। नमस्ते, मैं आपके नए डिजाइनर से मिलना चाहता हूँ। नए डिजाइनर? अजी उन्हें तो अभी छोटे साहब ने नौकरी से निकाल दिया है। अरे बाबूजी, इतनी जल्दी दफ्तर से आ गए आप? ये सब आप ही की मेहरबानी है। मेरी मेहरबानी? हाँ, सवेरे सवेरे आपकी सूरत देख ली थी ना, बस ऑफिस से छुट्टी मिल गई। आपने मेरी सूरत कहाँ देखी बाबूजी? मगर आपके मुबारक कदम तो घर में आ गए थे, उनकी बरकत से नौकरी छूटी, सूरत देखता शायद बम्बई छोड़ना पड़ता। बाबूजी, आपकी नौकरी छूटने की तो मुझे बड़ी खुशी। अच्छा जी। हाँ बाबूजी, ऐसे छोटी सी नौकरी से आप कभी बड़े आदमी नहीं बन सकते। और अब तो शायद मैं करोड़पति बन जाऊंगा। हाँ बाबूजी, अगर आप व्यापार करेंगे तो जरूर करोड़पति बन सकते हैं। अरे व्यापार के लिए तो पैसे की जरूरत होगी। वाह बाबूजी, व्यापार के लिए पैसों की क्या जरूरत है, अक्ल की जरूरत है, अक्ल की। आप कितनी अच्छी तस्वीरें बनाते हैं, कारीगर रखकर आप अपना काम क्यों नहीं शुरू करते थे? जब तक रुपए न हो तो काम कैसे शुरू होगा? रुपए मैं आपको ठकुरानी जी से दिला दूंगी। कौन ठकुरानी?
मैं एक ठकरानी जी को जानती हूँ, उनकी तो बस ऐसे जबरों पर जान जाती है जान। मैं उनसे उनका काम भी दिला दूंगी और आधे रुपए भी पहले दिलवा दूंगी। अच्छा। हाँ बाबू जी, हाथ कंगन को आरती क्या है, आज शाम को चलो मेरे साथ। चलो। बाबूजी आप यहाँ बैठिए, मैं ठकुरानी जी को खबर करके आती हूँ। बहुत जल्दी दोनों लड़कियों की शादी सर पर है, मगर इतना बड़ा काम कर सकेंगे ये? हाँ हाँ ठकुरानी जी, मैं अभी पूछती हूँ। बाबूजी, बाबूजी। मैंने सब कुछ सुन लिया मालती, उनसे कहो काम कितना भी ज्यादा हो वक्त पर मिलेगा, इस बात की फिक्र न करें। लेकिन चूंकि मामला लाखों रुपए का है, कम से कम 40-50 हजार का एडवांस जरूर मिलना चाहिए। मालती बात यह है, तुम जानती तो हो, तुम जरा। ठीक है बाबूजी। ठकुरानी जी, ठकुरानी जी, बाबूजी कहते हैं कि हमने सब कुछ सुन लिया है मालती, 40-50 हजार रुपए की तो कोई बात नहीं है, मगर इतना सोच लो कि बाबूजी कहीं रुपए लेकर। नहीं नहीं ठकुरानी जी, इसकी जिम्मेवारी मैं लेती हूँ, बाबूजी चोर आदमी नहीं है, बाबूजी बहुत शरीफ आदमी है। तो तुम जानो, इनसे कह दो कि कल दोपहर को आ जाए, हम रुपए का इंतजाम कर रखेंगे। हेलो। हाँ नहीं, दाम इससे कम नहीं होंगे। नहीं हेलो जी, हाँ मैं हूँ किशोर। ओ महाराज साहब की बहन की शादी हो रही है, बड़ी खुशी है। 2 लाख रुपए की जेवरात? जी हाँ, बहुत अच्छा जी। आप काम देखकर खुश हो जाएंगे, अच्छी बात। आठ बज गया और अब तक बाबूजी पड़े सो ही रहे, न चाय पीने का होश, न नौकरी की फिक्र, अच्छे आए थे भैया घर से काम धंधे की फिक्र में। मिल चुकी भैया, मिल चुकी। देख मेरे काले देव, जिस दिन से कामदेव ने मेरे सीने में तीर मारा है, उस दिन से सारे मुंबई को मैं इसका खींच खींच के तेरे मार रहा हूँ, लपेट रहा हूँ। अब मस्का खत्म हो गया, मेरा काम कर दे। Thank you.
मेरी आरजू, मेरे अरमान, मेरे सपनों की कहानी, आखिर तुम मुझे मिली गई। ये कौन बदतमीजी कर रहा है? भाई मेरे हाल पर रहम करो, पूरे 1 करोड़ बरस की मेहनत के बाद ये बीवी मिली है। भाई मेरे दिल की रानी, मेरे धड़कते हुए सीने से लिपट जा, मेरे दिल में आ जा, समा जा। मिल गई, अबे मिल गई, मिल गई, मिल गई, मिल गई, मिल गई, अबे मिल गई, मिल गई, मिल गई, मिल गई, मिल गई, कैसे दिया, मिल गई, क्या नौकरी मिल गई ना? अरे नौकरी नहीं कहते, मिल गई दीदी, हाँ दीदी ये लिखा दे, एक हसीन लड़की के लिए पर की जरूरत है। लड़का या तो किसी बहुत बड़ी जगह नौकर होना चाहिए या उसका खुद का कारोबार बहुत बड़ा होना चाहिए। तो ठीक है, और तस्वीर अर्जी के साथ आनी चाहिए। ऐसा करो, एक कागज कलम ले आओ और एक खूबसूरत सी तस्वीर ले आओ मेरी, हम भेज देते हैं, घर जाएगी। मगर बाबूजी, न तो आप किसी बड़ी जगह मुलाजिम है और न कोई आपका बड़ा कारोबार है। बातों मत, हमेशा मानी पर एक बातें करता है। अबे जिंदगी में मुश्किल से दूसरी दफा तो उम्मीद की किरण दिखाई दी थी और तू उसको बिदा लेना चाहता है। बाबू जी ऐसी ऐसी उम्मीदें तो न जाने कितनी बांध चुके हो। चलता तो ठीक है, किशोर जब बम्बई आया था तो हमारी उम्मीद बिल्कुल यकीन में तब्दील हो गई थी कि अब तो बेचारा शादी हमारी करा ही देगा, मगर कमबख्त वो भी झांसा दे गया। मनोज कहीं का मालूम बेचारा कहाँ होगा, किसी नौकरी के चक्कर में था। बाबूजी, अगर आप नौकरी के चक्कर में पड़े रहते तो आज को ये दिन कैसे देखते? इतना बड़ा बंगला, नौकर चाकर, मोटर गाड़ियाँ, ये सब कहाँ से होगी? तुम ठीक कहती हो मालती, पर बाबूजी घर तो अब भी सोना ही सोना सा लागे है। क्यों? अच्छा हो गई वाली बात मालती, अब तुमने मुझे इस काबिल बना दिया है कि अपने माँ बाप की इच्छा पूरी कर सकूं। तुमने मुझ पर इतने जबरदस्त एहसान किए हैं कि मैं उसे जिंदगी भर नहीं भूल सकता। मैं चाहता हूं तुम्हें सोने चांदी के ढेर पर बैठा दूं, तुम्हें इतना दे दूं कि फिर तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत ना हो। बताओ मालती, तुम क्या चाहती हो? बाबूजी, हम गरीब लोग पैसे के लोभी नहीं, हम तो प्रेम के भूखे हैं। प्रेम प्यार से जो भी दे दोगे सो ले लेंगे। प्रेम प्यार से देने की तो सिर्फ एक ही चीज होती मालती। वो क्या बाबूजी? क्या बताऊं, मेरे माँ बाप मेरी शादी बचपन में ही तय कर चुके हैं, नहीं तो। नहीं तो क्या बाबूजी? कुछ नहीं मानते, कुछ नहीं, औलाद का फर्ज अपने माँ बाप के फैसले पर सर झुका दे। चुके चुके प्यार कर, उनसे एक बार कर, इंतजार कर ए दिन बेकरार कर, ए दिन बेकरार कर। ये क्या सुना थी अभी, मचल गई जो जिंदगी, मचल गई जो जिंदगी। सितारे जगमगा उठे, अरमान मुस्कुरा उठे, दिल कह रहा है प्यार कर, उनसे एतबार कर, और इंतजार कर, है दिल बेकरार कर, है दिल बेकरार कर। महल बना रही है तू इसे, सजा रही है तू इसे, सजा रही है तू। इसी तरह सजाए जा, तू कौन है छुपाए जा।
जीत की, जीत होगी हार कर उन पे एतबार कर और इंतजार कर, ऐ दिन बेकरार कर, ऐ दिन बेकरार कर। फ्रॉम मेरठ, ये नौजवान क्या लिखते हैं, हैं? ये नौजवान लिखते हैं, श्रीमान मनोहर जी, मैं बहुत नौजवान हूँ और मुझे शादी की बहुत जल्दी है। अच्छा जी, यू फैटी मैन, तुम्हें शादी की बहुत जल्दी है, यू गो टू द हेल्प फॉर बनाना, कम अनदर वन, कम यू आल्सो। वाह 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 वाह, मुन्ना आओ बैठो बैठो ना बैठो। यहाँ के तो नक्शे ही बदल गए। अच्छा जी, क्यों उस्ताद, क्या कोई बड़ी नौकरी मिल गई क्या? अरे भाई, नौकरी इस जन्म में तो नहीं, शायद अगले जन्म में मिल जाए तो मिल जाए, ये तो यूं ही बेकारी दूर करने की तरकीब निकाल ली है। वो क्या? अरे भाई, रोजाना अखबारों में इश्तिहार देते देते तो थक गया कि एक ग्रेजुएट को नौकरी की सख्त जरूरत है, मगर किसी सुसरे ने भूले से जवाब तक भी नहीं दिया। और एक रोज जो अखबारों में इश्तिहार दे डाला कि एक नौजवान लड़की के लिए एक बर की जरूरत है, तो रोजाना ये खतूत सैकड़ों की तादाद में आने लग पड़े। मगर इनसे फायदा? फायदा? अरे भाई, ये रद्दी है ना रद्दी, इसे रोज बेच लेता हूँ तो अपने चाय पानी का खर्चा निकल जाता है, और हर लिफाफे में एक अदद निहायत खूबसूरत फोटो आता है, इसे सामने वाले फोटोग्राफर के हाथ एक एक आने में बेच लेता हूँ तो मेरे घर के किराए का खर्च निकल जाता है। गुड आइडिया, गुड आइडिया, थैंक यू वेरी मच। और बाजे उल्लू के पट्टे तो लिफाफों में दो दो आने के जवाबी टिकट भेज देते हैं, इन्हें बेचकर अपना ऊपर का खर्चा निकाल लेता हूँ। चलो, काम बन गया। और सबसे बड़ा फायदा ये है कि किसी बड़ी जगह से खत आता है तो उसका एड्रेस फौरन नोट कर लेता हूँ और उस जगह जाकर अपनी नौकरी की ट्राई मारता हूँ। तरकीब तो अच्छी जाती। अरे भाई, ईजाद जरूरत की माँ है मुन्ना, समझे? बुलाओ, कुछ पते मुझे भी लिखवा दो। अच्छा, मैं भी नौकरी के लिए कोशिश करूंगा। यस कमिंग। आज की डाक। अच्छा भाई, शाबाश, लो मुन्ना, तुम्हारी किस्मत जाग उठी, आज की डाक तुम ही ले जाओ ना। तुम भी क्या याद करोगे कि किसी रईस से पारा पड़ा था। थैंक यू, जाओ अपनी कड़काई दूर करो। बहुत बिजी मालूम होते हैं, क्या कोई नौकरी मिल गई? छोड़ो, ये तुम्हारे देखने के नहीं। तब तो मैं जरूर देखूंगी। मानोगी नहीं? कहूंगी नहीं, है काम मालूम, यह खत मुझे दे दो। नहीं दूंगी काम, नहीं, यह खत मुझे दे दो। नहीं, लाओ यह खत मुझे दे दो। नहीं दूंगी, लाओ ये खत मुझे दे दो। नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। देखो कामी, ये खत सीधी तरह दे दो, नहीं तो? नहीं तो क्या कर लोगे? क्या कर लूंगा? माता जी से कह दूंगा। माता जी से कह दूंगा। माता जी, माता जी, माता जी, ये कामनी की बच्ची नहीं सुनती। माता जी, ये कामनी की बच्ची नहीं सुनती। ये क्या शोर मचा रखा है कामनी? कह दू? कह दो, कौन परवाह करता है। अच्छा, ये बात है माता जी। भैया, रमेश जी, पिताजी। शाबाश बेटा, शाबाश। मुझे ये नहीं मालूम था कि तुम्हें अपनी बहन की शादी का इतना ख्याल है। जी हाँ, तो बेटा तुमने कब और किस अखबार में ये कामनी की शादी के लिए इश्तिहार दिया था? ओ पिताजी, एक तो क्या न जाने कितने अखबारों में इश्तिहार दे डाले, और अब तो इतने खत आने लगे, इतने खत आने लगे कि ये भी सोचना मुश्किल हो गया कि कामनी की शादी किससे की जाए। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि तुमने जो ये निशान लगा रखा है ना। जी, और ये देखो, लड़का भी देखने में बहुत अच्छा है और इसका लाखों का कारोबार है, मेरे ख्याल में इसी से रिश्ता तय कर डालो।
अच्छा शाबाश बेटे। साहब अपनी बेटी देने के लिए हमारे घर में खुद तशरीफ ला रहे हैं। बीवी मिलने में सिर्फ 2-4 घंटे की देर है। जरा खूब सोच समझ दो बाबू जी, कहीं उस दिन की तरह फिर नौ के बजाय। फिर वो मैंने सच की बातें। अरे बीवी मिलने का दस्तूर ही एक है, पहले जूते मिलते हैं बाद में बीवी मिलती है। चल जरा सफाई वफाई कर दे, चल। 3 महीने का किराया चढ़ गया, तुम लोग यहीं ठहरो। अगर आज भी बाबूजी ने किराया नहीं दिया तो सब सामान उठाकर ले चलेंगे, समझे? हाँ। बुद्धू देखो आ गए, दरवाजा खोल। हाँ क्या निहायत बदतमीज आती हो तुम। तुमसे हजार दफा कहा, आपका ससुर आ गए, हजार दफा कहा है मैंने कि तुम कोई मेरे बगैर पूछा काम न किया करो। 5 लाख का नुकसान मेरा हुआ, तुम्हारा क्या गया? 10 लाख तो मैंने कमा लिए, तो अच्छा हुआ। बाबूजी बाप रे, आप कहाँ से टपक पड़े? क्यों, इसमें आपको कोई ताज्जुब है? ताज्जुब आज कुछ नहीं, पैसा तो आने ही वाला है, मैंने माता जी को तार दे दिया है, आज नहीं तो कल आ जाएगा। ये मैं कुछ नहीं जानता, आखिर कोई कहाँ तक बर्दाश्त करेगा? 1 महीना हो 2 महीना हो 3 महीना हो, पूरे 4 महीने का किराया चढ़ गया है। या तो जल्दी से किराया दे दो, नहीं तो अपने आदमी को बुलाकर सारा सामान उठवा कर ले जाता हूँ। लाला जी जहाँ इतना सबर किया होगा 2 रोज और सही, पाई पाई चुका दूंगा। नहीं नहीं, अब मैं 1 मिनट भी नहीं रुक सकता। फर्नीचर वाले सेठ, ये मेरी शादी का मामला है, सिर्फ आज भर के लिए रहने दो। क्या मतलब है तुम्हारा? ये सारा सामान तुम्हारे जहेज में दे दूं? रामू शामू बाबू उठाओ उठाओ सामान उठाओ। कुछ तो ख्याल कीजिए। सुनिए बाबू जी, 1 हफ्ते के अंदर अंदर सारा फर्नीचर किराया दुकान में भिजवा देना, वरना अच्छा ना होगा बाबूजी, समझे? अब क्या होगा बाबूजी? वो आपके ससुर जो आने वाले हैं। तू क्यों घबराता है, तेरे ससुर हैं, तेरे तो नहीं है। मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए आइए, आप भी तशरीफ लाइए। कौन सा बिल वसूल करना है आपको? बिल? कैसा बिल? मेरा नाम है रामचंद्र, मैं मिस्टर मोहन शादी के बारे में बातचीत करने आया हूँ। ओह, आप मिस्टर रामचंद्र हैं? जी। मेरा नाम मोहन है, माफ कीजिएगा, वो बिल वाले चंदे वाले इस कदर परेशान करते हैं, सुबह से शाम तक कुछ पूछिए मत। कुल 97,000 रुपए दे चुका हूँ सुबह से। इधर तशरीफ लाइए, तशरीफ रखिए। मोहन बाबू, आप इतने बड़े लखपति आदमी होकर, माफ कीजिएगा, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। बंबई में तो लखपतियों की कोई कीमत ही नहीं है। भगवान की दया से मैंने 2 करोड़ रुपया बैंक को उधार दे रखा। बड़े ताज्जुब की बात है मोहन बाबू। जरा 1 मिनट बाबू। हाँ, तो तुम इतना माल सप्लाई कर सकोगे? अच्छी बात है तो ले लो, मगर 5 लाख से ज्यादा का ऑर्डर मत लेना भाई। अच्छी बात, माफ कीजिएगा। मेरे कहने का मतलब यह है मोहन बाबू कि आप इतने बड़े लखपति आदमी होकर और इतने से मकान में रहे हैं। आप मेरा बंगला देखेंगे तो दंग रह जाएंगे, बहुत बड़ा है, दुनिया भर का फर्नीचर उसमें रख रखा है, मगर फिर भी फर्नीचर कम है, इसीलिए तो यहाँ का सब फर्नीचर में भिजवा रहा हूँ। अरे भाई कहाँ गए ये लोग? अरे फर्नीचर वालों, हाँ ये भी हटवा दो यहाँ से, और कोई कुर्सी अंदर पड़ी हो वो भी ले जाओ। जी, मेरे कहने का मतलब यह है कि फिर भी यह आपके शान के खिलाफ है। अरे साहब शान क्या, हमारे मुल्क में लाखों करोड़ों आदमी छोटी छोटी सी झोंपड़ियों में और सड़कों पर रहते हैं, ऐसे में मुझे अच्छा नहीं मालूम होता कि मैं इतने बड़े मकान में और आराम से। बड़े अच्छे ख्यालात हैं आपके, ये तो आप जैसे बुजुर्गों की दुआ है। अच्छी बात है, अब मुझे इजाजत दीजिए। लेकिन आपने शादी के बारे में तो कोई बात ही नहीं की। उसके बारे में मैं जरा कुछ सोच के जवाब दूंगा। नमस्ते। तो आप आके जाएंगे? जी हाँ। दो करोड़ रुपया बैंक को दे दिया, 5 लाख रुपए का ऑर्डर आ गया, बाबा का माल था। दो करोड़ रुपया बैंक के पास ही रहने दो और वो ऑर्डर वापस कर दो। कहाँ गए फर्नीचर वाले? नमस्ते चाचा जी। जीते रहो बेटा। आज आप यहाँ कहाँ से आन निकले? ऊपर मिस्टर मोहन रहते हैं ना जी, जिनका बहुत बड़ा कारोबार है, उनसे अपनी कामनी की शादी की बातचीत चल रही है। चाचा जी ये आप किसके चक्कर में पड़े हुए हैं?
अजी वो तो खुद नौकरी की तलाश में मारा मारा फिर रहा है, वो तो महाकड़का है चाचा जी। क्या कह रहे हो मनोहर? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। अरे भाई अभी तो फोन पर लाखों की बिजनेस की बातें हो रही थी, उसका तो बहुत बड़ा फर्म है। मगर आपने उससे उसकी फर्म का नाम भी पूछा? ये तो नहीं पूछा मैंने। तो फिर पूछ लीजिए। अच्छी बात है, अभी पूछ लेता हूँ। जाइए। पुअर ओल्ड मैन, शादी को गुड़िया गुड्डे का खेल समझ रखा है। मैं कहता हूँ बाबूजी ऐसी शौक है तो कहीं नौकरी क्यों नहीं कर लेते, फिर देखिए कितनी लड़कियाँ मिलती हैं। बको मत तुम। कौन है? मोहन बाबू। अरे आप आज आइए, तकलीफ लाइए। माफ कीजिएगा, मैंने आपको दोबारा तकलीफ दी। मैं आपसे दरियाफ्त कर सकता हूँ कि आपके कारोबार के फर्म का नाम क्या है? मेरे कारोबार के फर्म का नाम आपको नहीं मालूम? जी नहीं। अरे भाई साहब सारी दुनिया को मालूम है, देखिए ना अखबार में भी होगा, मैं भी देख के बता देता हूँ आपको। रोज तो जाता है एडवर्टाइजमेंट, देखिए ना स्टार ज्वेलर्स। स्टार ज्वेलर्स? स्टार ज्वेलर्स कौन नहीं जानता। अजी साहब न जाने लोग किसी को बड़ा आदमी देखकर खामखा क्यों जलने लगते हैं। अभी अभी नीचे एक आदमी न जाने आपके बारे में क्या क्या कह रहा था। नीचे? जी हाँ। खैर होगा, जाने भी दीजिए। अच्छा मोहन बाबू नमस्ते, फिर आइएगा। जी अच्छा। क्यों जी, क्या तुम्हारी भी कोई कुंवारी बहन है क्या जिसे तुम मिस्टर मोहन से ब्याहना चाहते हो? अरे चाचा जी ये आप क्या कह रहे हैं, रमेश मेरा दोस्त है और उसकी बहन तो मेरी बहन है, इसीलिए तो मैं आपको इस महाकड़के के चक्कर से बचाना चाहता हूँ। वो महाकड़का है तो और क्या है चाचा जी? देखो वो इस फर्म का मालिक है। मालिक? स्टार ज्वेलर? अरे चाचा जी इसी फर्म में तो मैं नौकर हूँ। आप सुबह 11 बजे तशरीफ लाइए और देखिए कि इस फर्म का मालिक कौन है। अच्छी बात है, मैं कल जरूर आऊंगा। जरूर आइएगा चाचा जी। अरे यार इस कड़के ने कोई जबरदस्त चक्कर चलाया है ऐसा मालूम होता है। अब क्या होगा बाबूजी, सामान वाले अपना कुछ सामान उठा ले गए, घर से जो कुछ पैसे लाए थे वो खत्म हो चुके। बाबूजी अब भी ना नौकरी ढूंढी तो दाल रोटी के भी वांदे पड़ जाएंगे। सामान उठा के ले गए ना, मेरी तकदीर तो नहीं ले गए पागल कहीं का। जब देखो जब मनहूसियत की बातें करता रहता है। अरे तार भेजूंगा माता जी को, दूसरे दिन मनी ऑर्डर चला आएगा। चले पागल कहीं का। क्यों मुन्ना? आइए। उस बीवी शीवी वाले सिलसिले का क्या हुआ है? यार बीवी तो बिल्कुल फंसी गई, मगर जरा सी कसर रह गई, मुट्ठी में से निकल गई। क्या हुआ? एक बुड्ढे को पटा लिया था, उसकी लड़की से अपनी शादी वादी हो जाती, हम तो ये सोच रहे थे बिल्कुल पक्का हो गया था, मगर किसी बेवकूफ हरामजादे उल्लू के पट्टे ने नीचे भगा दिया उसको और सब मामला बंडा हो गया। अच्छा जी तो हम ही उल्लू के पट्टे ठहरे ना? तो तुमने ये किया था? नहीं मुन्ना, वो दरअसल वाकया ये था ना कि वो जो नौकरी का वादा किया था ना मैंने, फिक्स प्रॉमिस टाइट, समझे ना? हाँ तो वो बिल्कुल मौका गठने वाला है, बस मेरे साथ चलो। मुझे नौकरी दिलवा दो। बाय गॉड आई एम प्रॉमिसिंग। तुम्हारो तुम्हारो मॉर्निंग। और नहीं हुआ तो? ओ यस। कहाँ हो तुम? अरे भाई चलते हैं जल्दी, क्या है अभी तो शेर साहब भी नहीं आए होंगे। शेर साहब सब मोमेंट लिए। चाचा जी। बापरे। चाचा जी आइए ना, आइए चाचा जी, मिलिए आप हैं मिस्टर मोहन। अरे अरे मोहन, मोहन तो गायब हो गया। चाचा जी अभी यही था बिल्कुल। चाचा जी आप चलिए ना, मैं आपको असली मालिक से मिलवाता हूँ, असली शेर से। आइए ना चाचा जी, आइए ना, आइए आइए, जरा चाहिए। गुड मॉर्निंग मैडम चॉकलेट। गुड मॉर्निंग मिस्टर मेनन। ये साहब बॉस से मिलना मांगता, प्लीज कनेक्ट इनसाइड। थैंक यू बॉस, समबडी वांट्स टू सी यू। अरे डॉग आप जा सकते हैं। आइए चाचा जी आइए। आवर बॉस इज रूम, तशरीफ ले जाइए। मोहन बाबू नमस्ते। नमस्ते, आइए आइए तशरीफ लाइए। या शुक्रिया, आपका तो बहुत बड़ा कारोबार है। ये तो सब आपकी मेहरबानी है, वरना मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, छोटे से मकान में रहता हूँ। जी मैं उस दिन की बातचीत की आपसे माफी चाहता हूँ। क्या जी मैं क्या बताऊँ, एक आदमी ने मुझे बहका दिया था और आपके बारे में न जाने क्या क्या कह रहा था। अच्छा आप ही का जो क्लर्क है? हमारा क्लर्क? जी। कौन है? मनोहर,
मनोहर जी मनोहर। खैर होगा, जाने भी दीजिए। जाने कैसे दीजिए साहब, अभी मजा चखाता हूं। मनोहर को भेजो। क्या समझ रखा है बेईमान? जाने भी दीजिए बातों को, मेरे तमाम शक दूर हो गए। जनाब आपके तो तमाम शक दूर हो गए, मगर मैं भी तो अपने शक दूर कर लूं। यस बॉस, सैल्यूट बॉस। मनोहर जी, तुमने हमारे बारे में इनसे क्या क्या कहा? कुछ नहीं आई, कुछ नहीं आई है क्या? मैंने होते बट हमारा नमक खाते और दुबारा नहीं करते हो बेटा। अच्छा सर, बट बस सर, यहाँ बातें बोलते हैं। इधर से कुछ दम बाहर निकालो। अरे जाने भी दीजिए जरा सर। हूँ बॉस सर। गेट आउट, गेट आउट। राइट सर, आई एम फुल फुल सर। गेट आउट। मिस रिजारिया नौकरी छोड़कर चली गई है बॉस। तो दूसरे ऑपरेटर का बंदोबस्त कर लो। बहुत दिनों से एक बात आपसे कहना चाहता था, मगर हिम्मत नहीं बढ़ती है। अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ कहूँ आपसे। क्या है मैनेजर साहब, कहिए। बॉस, जिस फर्म में लाखों का फायदा हुआ करता था, आज उसी फर्म में लाखों का घाटा हो रहा है। आप कब तक इस तरह स्टार ज्वेलर्स के नाम ट्रांसफर करती रहेंगी? मैनेजर साहब, आप हमारे पिताजी के जमाने से इस फर्म में मुलाजिम हैं, इसलिए हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमारे जाती मामलात में भी दखल दें। जाइए, आप अपना काम कीजिए। काम क्या करूं बॉस, काम है कोई करने के लिए? सारे क्लर्क हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। तीन तीन महीने की तनख्वाह तक इनको नहीं मिली। तीन महीने से तनख्वाह नहीं मिली? लीजिए, इसे बेचकर सबकी तनख्वाहें दे दीजिए। एक साहब अंगूठी बेचने के लिए आए हैं। अंगूठी तो 15-20 हजार की मालूम होती है, लेकिन वो साहब 10 हजार में बेचने के लिए तैयार हैं। क्या खरीदनी चाहिए या नहीं? उस आदमी को अंदर भेज दो। बहुत अच्छा। किशोर। ओ मैनेजर साहब, आइए आइए, तशरीफ रखिए। तो क्या स्टार ज्वेलर्स के मालिक आते हैं? जी हाँ, मैं ही हूँ मैनेजर साहब। कभी के दिन बड़े और कभी की रातें। मगर ताज्जुब यह है कि छोटे साहब की अंगूठी बेचने की नौबत कैसे आ गई? जी जी नहीं, तो ये अंगूठी बेचने के लिए नहीं आई है। इस किस्म की अंगूठियों का हमारे पास बहुत सा ऑर्डर आया हुआ है। हमने सोचा था कि इसमें से कुछ अंगूठियाँ आपसे भी बनवा ली जाए, मगर किसी और वक्त ही। मैं सब कुछ समझ चुका हूँ मैनेजर साहब। नहीं नहीं, इस किस्म की कोई बात नहीं। अच्छा किशोर बाबू, नमस्ते। अब यहाँ तक नौबत आ गई है कि छोटे साहब ने कहा है कि ये अंगूठी बेच के सबकी तनख्वाहें दी जाए। जब ही रजनी आजकल बहुत परेशान नजर आती, सारा सारा दिन और आधी आधी रात उसकी ऑफिस में गुजर जाती। मगर वो ऑफिस में तो 5 मिनट के लिए भी नहीं ठहरती। सरकार क्या सच कह रहा हूँ मालिक, और आपको यह सुनकर सख्त ताज्जुब होगा, मुझे ये अंगूठी बेचने के लिए एक ऐसे शख्स के पास जाना पड़ा जो हमारी फर्म में एक मामूली मुलाजिम था और आज इतनी बड़ी फर्म स्टार ज्वेलर्स का मालिक बन बैठा है। तो उसमें ताज्जुब की कौन सी बात है, व्यापार में तो नफा और नुकसान हो ही करता है। मगर उसमें भी कोई वजह होती है सरकार, और वो वजह यह है, उस आदमी को बनाने में छोटे साहब ने अपने आप को बिगाड़ लिया है। पिछले महीनों में हमारी फर्म को जितने भी आर्डर्स मिलते रहे हैं, उन सब के सब आर्डर्स को छोटे साहब ने स्टार ज्वेलर्स के नाम ट्रांसफर कर दिया। मुमकिन है उन आर्डर से रजनी को नुकसान पहुंचता हो? ये बात नहीं है मालिक, बात कुछ और ही है जो कहते हुए डरता हूँ। अगर आप इजाजत दें तो। हाँ हाँ कहो, क्या बात है? बात यह है मालिक, छोटे साहब अब वो छोटे साहब नहीं रहे, अब वो जवान हो गए हैं
आप उनकी कहीं शादी करा दीजिए, नहीं तो। रामलाल, मैं सच कहता हूँ मालिक, मैं आपकी इज्जत पर धब्बा लगते हुए नहीं देख सकता। उनमें और स्टार विलर्स के मालिक में जरूर कोई ना कोई बात है। ठीक है माँ, तुमने सुना रामलाल ने क्या कहा? तुम्हारे पास मैंने रजनी को बाप बनकर नहीं बल्कि माँ बनकर पाला, लेकिन जिन हाथों ने उसे आज तक पाला है वही हाथ आज उसकी जिंदगी का खात्मा कर देंगे। क्या बात है सरकार? रजनी कहाँ है? मैं पूछता हूँ कि रजनी आई कि नहीं? अभी तो 6 ही बजे हैं सरकार, छोटे साहब कभी 7 बजे, कभी 8 बजे, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे भी आते। मालती, अरे कहाँ हो तुम? मालती जी, बाबूजी। देखो मालती, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। जिस लड़की ने मुझे जलील करके नौकरी से निकाल दिया था, आज उसी अंगूठी मेरे पास बिकने आई। आपके पास? तो फिर क्या हुआ बाबूजी? होता क्या है, उसके मैनेजर ने मुझे पहचान लिया। शायद उसे मेरे पास अंगूठी बेचते हुए शर्म आई, वो अपनी अंगूठी लेकर एकदम चला गया। रामलाल ठीक कहता था, आज मुझे मालूम हुआ कि तुम्हारे सारा सारा दिन गायब रहने और आधी आधी रात को घर आने का क्या सबब है। क्या मैंने तुम्हें आजादी इसीलिए दी थी कि तुम खानदान की इज्जत और आबरू को अपनी आवारगी पर बेच चढ़ा दो? ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? मैंने आज तक कोई ऐसी बात नहीं की है जिससे खानदान की इज्जत पर बट्टा लगे और दुनिया के सामने आपका और मेरा सर नीचा हो जाए। मुझ पर विश्वास कीजिए पिताजी। विश्वास? विश्वास करने ही का तो नतीजा आज देख रहा हूँ। तुम्हारी बातें मेरे इरादे को नहीं बदल सकती। मैंने तुम्हारी जिंदगी को खत्म करने का फैसला कर लिया है। माँ बाप के फैसले पर सर झुका देना ही औलाद का फर्ज है। मैं हाजिर हूँ पिताजी। शायद बेटी की मोहब्बत बाप के फैसले में रुकावट बन रही है। लाइए पिस्टल मुझे दीजिए, मैं खुद अपनी जिंदगी खत्म किए लेती हूँ। आपके हाथ किसी बेगुनाह के खून से भी बच जाएंगे। बेगुनाह? क्या ये झूठ है कि तुम ऑफिस में सिर्फ 5 मिनट के लिए जाती हो और सारा वक्त नहीं मालूम कहाँ गुजारती हो? क्या ये भी झूठ है कि तुमने अपनी फर्म के एक अदना मुलाजिम के लिए खुद को तबाह किया है और वही मुलाजिम आज इतनी बड़ी फर्म स्टार ज्वेलर का मालिक बन बैठा है? स्टार ज्वेलर्स मॉडर्न ज्वेलर्स का ही दूसरा नाम है और उसका मालिक आपके दोस्त रूप नारायण जी का लड़का किशोर है। किशोर? जी हाँ पिताजी, आप ही ने तो हमेशा ये तालीम दी है कि स्त्री का धर्म है कि पति को देवता समान समझे। मैंने ये नहीं चाहा कि मेरे होने वाले पति को लोग मेरे ही फर्म के एक मुलाजिम की हैसियत से जाने, बल्कि मैंने ये चाहा कि दुनिया में उनकी इज्जत हो, शोहरत हो और मैं उनकी दासी बनके उनके चरणों में जाऊं। ये सब सच है पिताजी कि मैंने उन्हें बनाने के लिए खुद को बिगाड़ लिया है। नहीं बेटा, तुमने खुद को बिगाड़ा नहीं बल्कि बना लिया। तुमने साबित कर दिया कि लड़कियों को आला तालीम बिगाड़ती नहीं बल्कि संवारती। कातिल हो जिसकी मुझे तलाश थी, भला तुम क्या नहीं कर सकती? कहिए
मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? मैं चाहता हूँ पत्थर को मोम बना दो, हवाओं के रुख पलट दो, ठहरे हुए पानी में तूफान उठा दो, समंदर में लपकते हुए शोले पैदा कर दो और शोलों में महकते हुए फूल खिला दो। तुम एक करोड़पति को कितने दिनों में तबाह कर सकती हो? चाहूँ तो एक दिन में, चाहूँ तो एक रात में, तेरे पास सूरज निकलने से पहले मैं वो जादू जगा सकती हूँ कि घर लौटने के लिए उसके तन पर एक कपड़ा। मैं प्रोप्राइटर। जी हाँ, मैं हूँ किशोर। मिस्टर किशोर, हेलो। आपसे मिलने की तो इतनी आरजू है कि कुछ ना पूछिए, बस ये समझ लीजिए कि। देखिए जी, आप मैनेजर से बात कर लीजिए। हेलो, मैं हूँ मैनेजर। कौन? मैं आपसे नहीं, मिस्टर किशोर से बात करना चाहती हूँ। साहब, वो आपसे बात करना चाहती है। सुनिए जी, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। आप ओ, आप मेरी बातों से घबरा गए? माफ कीजिएगा, मैं आपसे इसलिए मिलना चाहती हूँ कि मुझे 2-3 लाख के जेवरात और नगीने खरीदने हैं। अच्छा, तो आप कहिए, मैं नोट की लेता हूँ। जी 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 जी, और कुछ? बस वो, मैं अपने मैनेजर का भी भेज देता हूँ। जी नहीं, आप ही तशरीफ लाइए। तरीका ऐसे है, मेरी कोई जरूरत नहीं वहाँ जाने की। आपसे मैं डिजाइनों में भी मशवरा ले सकूंगी। अच्छी बात है, मैं अभी हाजिर होता हूँ। अभी नहीं, शाम को। जी, शाम को क्यों? आप कैसे नादान व्यापारी हैं, जिन चीजों का आप व्यापार करते हैं वो रात को ज्यादा हसीन मालूम होती है। हो सकता है आपको 3 लाख की बजाय 5 लाख का ऑर्डर मिल जाए। अच्छी बात है, अच्छी बात है, मैं खुद आ जाऊंगा शाम को। तो मेरा पता नोट कर लीजिए, मिस किरण, 71 मलबार हिल। कोशिश कीजिएगा। हाँ, जल्दी आइएगा। बहुत 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 शुक्रिया, मैं इंतजार करूंगा। क्या ये वही शिकार है? हाँ वही, लेकिन ये तो बहुत मामूली शिकार है तारा, इसके लिए राइफल की गोली की जरूरत नहीं, एक हल्की सी कंकरी काफी है। कभी कभी अंदाजा गलत भी हो जाता है। अकलमंदों का कहना है कि अगर इंसान परिंदे के शिकार के लिए जाए तो शेर के मारने का इंतजाम पहले कर ले। तुम ठीक कहती हो तारा, शाम होने दो। नमस्ते किरण देवी, मैं। जी मैं किरण नहीं हूँ, मैं तो उनके दासी हूँ। आइए तशरीफ रखिए। नमस्ते जी। नमस्ते किरण देवी, ये मैं डिजाइन बुक अपने साथ लेकर आया हूँ। जी मैं किरण नहीं, मैं तो उनकी दासी हूँ। आप तशरीफ रखिए, वो भी आती होंगी। नमस्ते किरण देवी, ये मैं डिजाइन बुक ले आया हूँ आपके लिए। माफ कीजिएगा, मैं किरण देवी नहीं, मैं तो उनकी दासी हूँ। उन्हें देखकर तो आप अपने होश भी खो बैठेंगे। उनके हुस्न जमाल का तो ये आलम है कि अगर कहीं चांद की नजर उन पर पड़ जाए तो बेचारा खुद ही शर्माकर बादलों की नकाब अपने मुंह पे डाल ले। जरा कलेजा थाम कर बैठिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि निगाहें मिलते ही दिल हाथ से चला जाए। जी जी हाँ। मेरी नजर में
अफसोस, तुम्हारा भी जादू उस पर न चल सका। अब मुझे और तरकीब सोचनी पड़ेगी। तुम तो ये कहकर सस्ते छूट गए, मगर मेरे दिल पे जो बीत गई है उसका क्या होगा? ये तुमने क्या किया परान? मैं अपनी मधुर जवानी के मधुर सपनों में खोई भी थी, तुमने नष्ट जब होके मुझे जगा दिया। एक ऐसा तीर मारा है जिसकी अन्नी टूट कर मेरे दिल ही में रह गई। सब यहाँ क्यों आई हो? मेरी जिल्लत का तमाशा देखने, मेरी शिकस्त की हंसी उड़ाने? चली जाओ यहाँ से। आप इस कदर परेशान क्यों हो रही हैं? कभी कभी तलवार का बार खाली भी जाता है, इसके ये माने नहीं कि बाजू में ताकत नहीं रही। लेकिन जानती हो इसका नतीजा क्या होता है? जो बार खाली जाता है खुद पर पड़ जाता है। क्या मतलब? कुछ नहीं तारा, चली जाओ। मगर तारा, चली जाओ। तू झूठा, जैसा कि तू मुझे दिखा रहा है वैसी मैं हरगिज नहीं। अब इन निगाहों में वो काट नहीं रही जिसका मारा हुआ पानी भी नहीं मांग सकता था। अब इन होठों में वो बात नहीं रही कि इनसे निकली बात टाली न जा सके। सीने के इस समंदर में वो लहर नहीं रही कि जिनकी लपेट में आकर कोई साहिल का ख्वाब भी नहीं देख सकता था। इन पैरों की वो चाल नहीं रही क्या कदम पे सौ फितने उठते रहे। तो झूठा है, बिल्कुल झूठा। बाबूजी आपका तार। तार? किसका तार आया? पिताजी का तार है। अगले सोमवार मेरी शादी है। तेरी शादी है? ओए मजा आ गया। या मेरा भी कुछ बंदोबस्त कर देना तो तेरी और मेरी शादी दोनों की एक साथ हो जाए। बाबूजी मुझे भी एक महीने की छुट्टी चाहिए, मेरी भी अगला सोमवार को शादी है। अजीब बात है मालती, तुम्हारी और मेरी शादी एक ही दिन हो रही? हाँ बाबूजी। बाबू
आनंद रूप, जिस दिन का मुझे बरसों से इंतजार था आज वो दिन आ गया। हाँ आनंद, मगर ये खुशी के समय आंसू कैसे? ये खुशी के आंसू है, दूसरे में लड़की का बाप भी हो, जहां उसकी शादी की खुशी है वहां उसकी जुदाई का गम भी है। तुम अपने और मेरे घर को अलग अलग समझते हो आनंद, मैं रजनी को अपनी बहू नहीं बेटी समझूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। लग्न का समय हो गया महाराज। जब बारात वापस होगी तो दुल्हा दुल्हा अस्पताल में होगा और दुल्हन आपके बंगले में। शाबाश। आत्मान प्रजया पशुत ब्रह्म वचसी नाना देशमेरय स्वाहामग्नै नमो ओम भूवाय पानाय स्वाहाय पानाय नमो ओम सुरादित्याय रानाय स्वाहाय मारिताय रानाय नमो ओम हिरण्य पद्मये न पात्रेण जिसने मुझे बिना कसूर के अपने फर्म से निकाल दिया और आज मुझसे शादी कर रही हो, इसलिए कि मेरे पास दौलत है तुम कंगाल हो चुकी हो। वो दिन याद है जब तुमने मेरी गरीबी की हंसी उड़ाई थी। मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगा। किशोर पिताजी, दुनिया ऐसा किधर हो जाए, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकलने लगे, मगर मुझसे कभी शादी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। किशोर तुम्हें मालूम है कि ये सब कुछ? पिताजी उन्हें कुछ मत कहिए, उन्हें जाने दीजिए। आनंद, इस वक्त जो तुम्हारे दिल पर गुजर रही है मैं अच्छी तरह जानता हूं। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं, मगर ये यकीन दिलाता हूं कि किशोर की उस वक्त तक सूरत नहीं देखूंगा जब तक कि वो रजनी से शादी न कर ले। आखिर वो ये हुआ ना जो मैं तुमसे कहती थी, मैं जाके उसे सब कुछ कह देती। नहीं कामनी, मुझे एक बार और कोशिश करने दो। मैंने तो कोई भी कोशिश उठाना रखी, लेकिन अफसोस किशोर मेरा नहीं। दूसरों को शिकार करने वाली आज को शिकार बन गई, कितनी अजीब बात है। इसमें अजीब बात कौन सी है? हम जिन्हें अपने हुस्न पर नाज है, अपनी अदाओं पर घमंड है, हमारे सीने में भी दिल होता है, लेकिन हमारे दिल के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। हमारे पेशे की कामयाबी के खातिर हमारी परवरिश इस तरह की जाती है कि हम सिर्फ दूसरों को लुभा सके, खुद किसी की तरफ माइल न हो। मगर एक दिन आता है जब हमारी रूह इन दरवाजों को तोड़कर बाहर निकल आती है और हम भी ये जानने लगते हैं कि कोई नजरों में खुद ब खुद क्यों समा जाता है, किसी की आहट पर दिल क्यों धड़कने लगता है, किसी की मुस्कुरा देने से हर चीज पर बाहर क्यों आ जाती है, किसी की नजरें फेर लेने से जिंदगी उजाड़ और वीरान क्यों नजर आती है। शायद इसी का नाम मोहब्बत है शेफ्ता, एक आग है सीने के अंदर लगी हुई। आपके दिल में मोहब्बत की नहीं, इंतकाम की आग लग रही है। अगर ये आग इंतकाम की होती तो मुझे किशोर को मार डालना चाहिए था, लेकिन मैंने तो उसके लिए जान देने की ठान ली। यकीन जानू तारा, अगर आज किशोर की शादी हो गई तो कल मेरी चिता जल रही होगी, मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। तो फिर जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। फिर कोई नश्ते जो भूलने आए हो? नहीं किरण, मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाने आया हूं। किशोर शादी को ठुकरा कर चला गया। प्राण? हाँ, अब तुम्हारे लिए मन साफ, बड़ी आसानी से उसे तुम अपना बना सकोगी। उसका दिल डूबा हुआ है और डूबते को तिनके का सहारा चाहिए। नहीं वक्त भी
किस्मत ने कहा मालूम नहीं, हंसने की सजा है मैंने तो चाचा जी को बहुत समझाया लेकिन वो माने नहीं। शाम की गाड़ी से चले गए। ये तुम्हारे लिए कागज दे रहे। मैं उस वक्त तक तुम्हारी सूरत नहीं देखूंगा जब तक तुम रजनी से शादी नहीं करोगे। रजनी उससे शादी तो क्या, उसे मैं अपनी नौकरानी तक नहीं बनाऊंगा। अब वो इसलिए मुझसे शादी करना चाहती है क्योंकि मेरे पास इज्जत है, दौलत है, शोहरत है। बदल कर सब ही पर तो आते हैं, और जलने वाले कभी जलाने वाले भी बन जाते हैं। बड़े बुजुर्गों के मुंह हमने सुनी सदा ये बात है, बड़े बुजुर्गों के मुंह हमने सुनी सदा ये बात है, बड़े बोल मत बोलो रोज सवेरे फूल को हमने डाली पर खिलते देखा, और सांझ भई तो उसी फूल को आज मिट्टी में मिलते देखा। इस किस्मत का क्या भरोसा, आज यहाँ कल वहाँ चली, और कांटे बनते फूल चले, ये रंग जमाती जहाँ चली। कान पाल पर दुलाला वो बड़े काम की बात है,
दोनों एक सुनक नकली के साथ है। बड़े बोल मत बोलो एक सुनक नकली के साथ है। नमस्ते बाबूजी। बाकी तुम तो एक महीने की छुट्टी लेकर गई थी। हाँ बाबूजी, लेकिन वो मुझे लगन मंडप से ठुकरा कर चला गया। अजीब बात है मालती, यही तो मेरे साथ भी हुआ। मैं भी अपनी पत्नी को ठुकरा कर आ रहा हूँ। बाबूजी, क्या सभी मर्द ऐसे कठोर होते हैं? ये बात नहीं मालती, तुम जानती हो मेरी शादी किस लड़की के साथ हो रही थी? उसी के साथ जिसने मुझे जलील करके नौकरी से निकाल दिया था। मैं उसकी सूरत तक देखना पसंद नहीं करता। औरत के दिल को आप क्या जाने बाबूजी, आप तो उसकी सूरत देखना नहीं चाहते, मगर वो तो आपके लिए जान दे देगी। बस मालती, कम से कम तुम उसकी सफाई में कुछ न कहो, कहीं ऐसा न हो कि मुझे तुमसे भी नफरत हो जाए। तुमसे मालती, एक बात कहूं तुम बुरा तो नहीं मानोगी? बिल्कुल नहीं बाबूजी, कहिए। तुम्हें भी तुम्हारे पति ने ठुकरा दिया है और मैं भी अपनी पत्नी को ठुकरा कर आ रहा हूं। हमारी परेशानी का सिर्फ एक ही इलाज है और वो यह है कि हम दोनों आपस में शादी कर लें। बाबूजी। मालती, तुम्हें हाथ आना ही पड़ेगा। मालती, आपने ऐसी अजीब बात कह दी है बाबूजी कि मैं ना कह सकती हूँ और ना हाँ। तुम्हें हाँ कहना ही पड़ेगा मालती, इस वक्त मेरी अजीब हालत हो रही है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। अगर इस वक्त मुझे कोई सहारा नहीं मिला तो मैं इसे गहरे गार में गिर जाऊंगा जहां से जीवन भर मुझे कोई नहीं निकाल सकेगा। बोलो मालती, मेरा दम घुटा जा रहा, कहीं ऐसा न हो कि इस उलझन में अपनी जान दे दूं। जान दे तुम्हारे दुश्मन, तुम्हें सहारा चाहिए ना। तुम? हाँ, मैं हूँ वो बदनसीब किरण जिसकी दासियों को तुमने किरण समझा, और जब मैं खुद तुम्हारे सामने आई तो तुम मुझे भी दासी समझकर वहां से चले आए। तुम्हारी यही अदा मेरे दिल में समा गई, तुम्हारा यही वार मेरे दिल पर चल गया। मैं उसी दिन से बेचैन बेकरार हूं। मैंने तो जान तक देने की ठान ली थी, लेकिन ऐन उसी वक्त मुझे मालूम हुआ कि तुम्हें मेरी जरूरत है। मैं आ गई हूं, आओ मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें इस घर की उदास और बेजान फिजा से निकालकर वहां ले जाऊंगी जहां हर तरफ रंगीनियां बिखरी पड़ी, जहां पत्ते पत्ते और डाली डाली पर बहार है। आओ, मैं तुम्हें वहां ले चलूं जहां मोहब्बत है, हुस्न है, जवानी है, जिंदगी। बाबूजी, 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 मेरे दिल के उजड़े चमन में आज बहारें बहारें आ गई। आज मैं कायनात की सारी दौलत समेट कर अपने घर में ले आई हूँ। इस घर के तमाम दरवाजे बंद कर दो ताकि कोई लुटेरा मेरी दौलत को लूट कर न ले जा सके। तमाम रोशन दानों और खिड़कियों को बंद करके उनमें शीशा पिघलवा दो ताकि बाहर की हवा भी इन तक न पहुंच सके। जाओ, देखते क्या हो। पागल हो गई है। कभी धोखा नहीं खा सकती, मैंने अपनी आंखों से उन्हें इस घर में आते देखा है। तुम तो मुझे कोई पागल मालूम होती हो। मैं पागल? बेशक मैं पागल हूं। मेरे सामने दुनिया भर की खुशियां बिखरी हुई थी, लेकिन मैं उन्हें समेट न सकी। जमीन के तमाम हीरे और जवाहरात, समुंदर के सारे मोती, आकाश के चांद सितारे, सबके सब मेरे कदमों में आ गिरे थे, लेकिन मैं उनकी जगह से उनकी ताब न ला सकी। बस मेरे हाँ कहने की देर थी, लेकिन एक लम्हे की हिचकिचाहट में मेरा सब कुछ लूट लिया। मैं तबाह हो गई, मैं बर्बाद हो गई। तुम तो सचमुच कोई पागल मालूम होती हो।
मैं पागल हूँ बाबूजी शायद कोई मुझे पुकार रहा है। मेरे दिल की धड़कनें तुम्हें पुकार रही है। अब कोई भी आवाज तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंच सकती, चाहे कोई चीख चीख के अपनी जान क्यों ना दे दे। तुम यहाँ रात पर इसी तरह चीखती रहोगी और तुम्हारी आवाज इस घर के दीवारों से टकरा कर वापस आ जाएगी। यकीन करो यहाँ कोई नहीं है। नहीं नहीं, वो जरूर यही है। क्या बात? न जाने आज मेरा दिल क्यों घबरा रहा है। ये लो, इस दवाई के दो घूंट तुम्हारी घबराहट को दूर कर देंगे। ये क्या है? ये तुमने क्या किया किरण? ये तो शराब है। दुनिया वाले इसे इसी नाम से पुकारते हैं, मगर दिल वाले इसे आबे हयात कहते हैं। ईश्वर के लिए सिर्फ एक मिनट के लिए मिलने दो। उनसे कह दो कि आपकी दासी मालती आपसे मिलने आई है। वो चले आएंगे, जरूर चले आएंगे। सीधी तरह यहाँ से निकल जा, वरना धक्के देकर निकल दी जाओगी। बाबूजी, मैं आपके बात का जवाब देने आई हूँ। मैं हाँ कहने आई हूँ बाबूजी, मेरी हाँ सुन लो बाबूजी। लिया तूने गम का तमाशा, अब न सता बेदर्द जमाने। देख लिया तूने गम का तमाशा, आग लगे तो दुनिया ही देखे, दिल की लगी को कोई न जाने। देख लिया के भंवर में दिल जो खोया, याद ने इतना दिल को डुबोया। धड़क गया कश्ती का कलेजा, लगे किनारे भी घबराने। देख लिया तूने गम का तमाशा, अब न सता बेदर्द जमाने। देख लिया कर ही गए वो हमसे किनारा, पुकारा उनसे हमारी बात जो बिगड़ी, बिगड़ गए बनकर ये फसाने। देख लिया तूने गम का तमाशा, अब न सता बेदर्द जमाने। देख लिया गए हैं आँख में आंसू, छा ही गए हैं गम के बादल। अब न मिलोगे हमसे बिछड़ कर, अब न मिलोगे किसी बहाने। देख लिया तूने गम का तमाशा, अब न सता बेदर्द जमाने। देख लिया मालती,
इतनी रात गए तुम कहाँ से आ रही? अंधेर हो गया बाबूजी, अपने दोस्त को बचाइए, उन्हें किरण नाम की लड़की ना जाने कहाँ ले गई। कहाँ ले गई? कहाँ ले गई ना जाने वो किसका घर है बाबूजी। मैंने तुम दोनों को अपनी आंखों से उस घर में जाते देखा है, मगर वहाँ के नौकरों ने कह दिया कि वो यहाँ नहीं है। तुम्हें यकीन है कि वो उसी घर में गए? हाँ बाबूजी, मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। मगर तुम्हें उसका इतना ख्याल क्यों रहता है? ये ना पूछिए बाबूजी, उन्हें बचाइए, उन्हें बचाइए बाबूजी। अच्छी बात है, उसे आने दो, अभी तो कुछ रात बाकी है। याद नहीं।
ऐसा ना कहिए, ऐसा नहीं कहिए बाबूजी, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। नहीं नहीं मरो नहीं, कौन सी बात है बोलो। बाबूजी वो आपने कहा था ना कि आप मुझसे शादी करना चाहते हैं। शादी? तेरे साथ शादी? एक मामूली नौकरानी के साथ शादी? तुझे ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? निकल जा, निकल जा। अपन जीवन भर नहीं कहूंगी बाबूजी। तो फिर कहेगी तो जरूर कहेगी, निकल जा। नहीं नहीं बाबूजी, नहीं। आपने कहा था ना कि मालती मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगा और मैं तुझे सोने चांदी के ढेर पर बिठा देना चाहता हूँ। ओछा लड़े और उधार मांगे, तुम मुझसे उस एहसान का बदला चाहती है जब तुम मुझे उस ठकुराइन कहने गई थी। नहीं बाबू, ये बात नहीं। ले ले समेट ले, इन्हें समेट ले। बाबू जी खामोश, दो टके की नौकरानी और सामान चलाती है। क्या बात करनी थी? औरत पे हाथ उठाते हो तुम्हें छोड़ नहीं आती। तुम हट जाओ मोहन, मैं इसे भी घर से निकाल दूंगा। बाबू जी ये आपने क्या किया? अपने दोस्त के मुंह पे तुम्हारा मारा। तुम हट जा रहे थे, ये अपने होश और आवाज छोड़ बैठे। जब तक तुम दोनों इस मकान में रहोगे मैं यहां कदम भी नहीं रखूंगा। बाबू जी घर में कभी कदम ना रखो। ना जाइए बाबूजी, उनकी बातों पर ध्यान ना दीजिए, आप तो उनके दोस्त हैं। मैं तो उनका दोस्त हूँ, लेकिन उसने तो बचपने की दोस्ती में पानी फेर दिया। वो नशे में थे बाबूजी, और नशे में इंसान ना जाने क्या कुछ कर बैठता है। आप उन्हें मना कर ले आइए। मगर तुम्हें उसका इतना ख्याल क्यों है? इतनी बेइज्जती होने पर भी तुम उसका दम भरती? चला गया, चला रहने दो। ऐसा ना कहिए बाबूजी, मैंने उनकी सेवा की है, मैंने उनका नमक खाया है। मेरी समझ में नहीं आता, अगर तुम्हारी जगह कोई और नौकरानी होती तो कब का उसे छोड़कर चली जाती? मैं उन्हें कैसे छोड़ सकती? कुछ नहीं बाबूजी। जरूर कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। मेरा तो ख्याल ये है कि तुम सिर्फ उसकी नौकरानी ही नहीं बल्कि तुम्हारा और उसका कुछ और संबंध भी है। ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? ठीक कह रहा हूँ, बहुत सी भोली भाली नौकरानियां मालिकों की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर अपनी इज्जत खो बैठती हैं। शायद तुम भी उसी किस्म की नौकरानियों में से एक हो। मिस्टर मोहन। रजनी? हाँ मिस्टर मोहन। माफ करना भाभी, मुझे मालूम नहीं था। नई रोशनी की फैशन परस्त लड़कियों को तुमसे एक सबक हासिल करना चाहिए। तुमने दुनिया में एक मिसाल कायम कर दी। मैं वादा करता हूं कि जब तक किशोर से तुमको मिलवाना दूंगा मैं इस घर में से नहीं जाऊंगा। तमन्नाओं के बर्राने के दिन आए, मोहब्बत की निगाहों में समा जाने के दिन आए। मुबारक हो रही जिस दिन के इंतजार में मेरे दिन उदास और रातें बेचैन गुजरती थी, अब वो दिन आने ही वाला है। तुम सुनोगी तो फूली नहीं समाओगी, खुशी से नाचने लगोगी। आखिर बात क्या है? चाचा जी ने वचन दिया है कि तुम्हारी शादी मेरे साथ करेंगे। क्या किया पिताजी आपने? प्राण का वचन क्यों दे दिया? अब अपना वचन वापस ले लीजिए। मैं क्या करता बेटा, लड़की पराया धन कहलाती, उसको एक दिन किसी ना किसी के हवाले करना ही पड़ता। शायद आप भूलते हैं पिताजी, आप मुझे किसी के हवाले कर चुके हैं। लेकिन वो तो तुम्हें ठुकरा कर चला गया। तुम कब तक उसके नाम पर बैठी रहोगी? तुम कब तक उसके लिए बेताब रहोगी? जीवन भर तुम जीवन भर बैठ सकती हो, लेकिन मेरी मजबूरियां भी तो देखो। मैं बाप हूं और लड़की का बाप हूं। एक बाप अपनी जवान लड़की को कब तक घर में बिठा सकता है? दुनिया वाले क्या कहेंगे? तो फिर लीजिए मेरा गला घोट दीजिए, मुझे जान से मार डालिए। मैं किसी और की बनकर जिंदा नहीं रह सकती, मैं उनकी हो चुकी हूँ और जीवन भर उन्हीं की रहूंगी। लेकिन वो तो किसी और का हो चुका है। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? ऐसे कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता।
मैं सच कह रहा हूं बेटा, वो किरण से शादी कर, ये देखो अभी प्राण दे गए। शहनाइयों की आवाजें आ रही हैं, उसका ब्याह हो रहा है, वो दुल्हन को लाते होंगे, मुझे उन दोनों का स्वागत करना है। रजनी कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें क्या हो गया है? छोड़ दो मुझे, मैं उनकी दासी हूँ, वो दुल्हन को लाते होंगे, मुझे उनके दुल्हन के लिए फूलों की सेज बिछाना है, उनका घर सजाना है। तो पागल हो गई हो रजनी? रजनी नहीं नहीं, मेरा नाम तो मालती है। तुमने शायद रजनी इसलिए कहा कि मैंने रजनी के कपड़े पहन लिए, मैंने अभी उतारे देख लिया। रजनी किशोर किरण को दुल्हन बनाकर ले आए तो ये मर जाएगी। ये मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगा, न रहेगा बात न बजेगी बात। मिस्टर मोहन, मिस्टर मोहन, आज हर चीज में एक नया हुस्न पैदा हो गया है, आज दुनिया की सारी खुशियां मेरे स्वागत को आ रही हैं, आज मैं तुम्हारी दुल्हन हूँ। किशोर किसी और का दूल्हा बनेगा, किरण आपका एहसास पूरा नहीं हो सकता। ये कौन बदतमीज है जिसे ऐसे खुशी के मौके पर मनहूस बात करने की हिम्मत हुई? ये मेरे नादान दोस्त हैं, जिन्हें मेरे दुख से खुशी होती है और खुशी से दुख होता है। तुम्हारी अकल अभी तक ठिकाने नहीं आई? मेरी अकल बिल्कुल दुरुस्त, अकल तो तुम खो बैठे हो अपनी। मुझे तुम्हारी बकवास सुनने की फुर्सत नहीं है, चले जाना। नहीं जाऊंगा, जब तक तुम रजनी से जाके माफी नहीं मांगोगे मैं हरगिज़ नहीं जाऊंगा, तुम्हें किरण को छोड़ना पड़ेगा। चले जाना। नहीं जाता। इनसे कहो कि सीधी तरह से चले जाएं, वरना धक्के देकर बाहर निकलवा दिए जाएंगे। इसकी मजाल जो मुझे यहाँ से धक्के देकर निकाल सके? इन्हें धक्के देकर बाहर निकाल दो। खबरदार, मैं ये सारा खर्चा ही तमाम किए देता हूँ। रजनी, मालती, रजनी, 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 तुम मुझे माफ कर रजनी, मैं आंखें होते हुए तुम्हें न देख सका, मैं पागल हो गया था। ऐसा न कहिए, मैं तो आपकी दासी हूँ, मुझे शर्मिंदा न। ऐसा न कहिए, मैं तो आपकी दासी हूँ, मुझे शर्मिंदा न कीजिए। मालती, विनती करत हूँ मैं तोरी माँ, विनती करत हूँ, विनती करत हूँ, विनती करत हूँ मैं तोरी माँ।